वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये देख सकते हो, तो ये हमारा बाइक जो है आधा अधूरा काम, मतलब इंजन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दो दो इंजन गाइस इसमें फिट हो चुका है। चेन आप लोग देख सकते हो, तो बहुत ही मोटा चेन हमने लगाया है। और ये गाइस सक्सेसफुली इंजन इसका वर्किंग हो गया है। कार्बोरेटर यहाँ देख सकते हो, तो हम इस कार्बोरेटर हम इसको थोड़ा यहाँ कर देंगे जैसे कि टैंक यहाँ फिट हो सके। और ये देख सकते हो, तो यहाँ पे भी कार्बोरेटर है। तो अभी हमने इसको कपड़ा से ढक के रखा है जैसे इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए, तो इसीलिए। तो ये देख सकते हो, तो अभी क्या है, हम इसमें बॉडी फिट करने वाले हैं। इसका जो बॉडी वगैरह है वो सब कुछ हम एक पल्सर बाइक का लगाने वाले हैं। तो पल्सर बाइक में एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ है गाइस पल्सर बाइक। तो ये बाइक हमने स्क्रैप पे लेके आया है, और इस बाइक का जो जितना भी बॉडी वगैरह है वो सारा बॉडी हम उस बाइक पे फिट करने वाले हैं। तो ये देख सकते हो, तो महिंद्रा सेंचुरो बाइक है, और इसके अंदर हमने डबल इंजन फिट किया है। और कैसे फिट किया वो भी थोड़ा आप लोग वीडियो देख लो। तो ये देख सकते हो, तो मेरे सामने है महिंद्रा सेंचुरो। तो ये देख सकते हो, तो और इसके अंदर लगा है स्प्लेंडर की इंजन। तो ये देख सकते हो, तो हीरो होंडा लिखा भी हुआ है। लेकिन गाइस ये पहले मॉडिफिकेशन हमने किया था, वो जो पुराना महिंद्रा था वो इसका इंजन सीज हो गया था। लेकिन अभी क्या है, अभी हम एक तो ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन करने वाले हैं इंजन के ऊपर, पावर बढ़ाने वाले हैं, और इसमें ट्विन सिलेंडर बनाने वाले हैं गाइस। तो गाइस यहाँ देख सकते हो, तो अपनी हीरो होंडा 200 cc यहाँ पे बन रही है। और फाइनली देख सकते हो गाइस, यहाँ पे सारा जो चेसिस वगैरह जो काम था वो सब कुछ हमने कर दिया है। तो ये देख सकते हो, तो चेसिस हमारा निकल चुका है कुछ इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट हमने काट दिया है इसको, अब ये निकल जाएगा आराम से। तो वायरिंग वगैरह हार्नेस वगैरह यहाँ पे है, वो सब कुछ ध्यान से संभाल के थोड़ा सा और है इसको निकाल लेते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपनी बाइक की इंजन खुल रही है अभी, तो ये देख सकते हो, तो ये बाइक की अभी इंजन खुल रही है। ये भी हीरो होंडा है गाइस, स्प्लेंडर है। तो पूरी स्प्लेंडर बाइक हमने खरीद ली है, और इसका जो इंजन है इसको निकालेंगे। इसका इंजन निकालने के बाद वहाँ जाएगा, और ये अपनी हायाबुसा यहाँ पे है, ये भी तैयार होगा। और यह देख सकते हो, तो यहाँ पे गाइस अपना जो इंजन है हीरो होंडा का यहाँ पे फिट करेंगे। तो दोनों इंजन एक साथ रन कराएंगे, और 200 तक भाग के देखेंगे क्या होगा ना होगा। साउंड इसका एकदम बदलने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे जबरदस्त वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इंजन अभी खुल चुका है, देख सकते हो। तो हीरो होंडा का इंजन हमने फाइनली खोल दिया है, और अब ये वाला जो इंजन है हम इस पे फिट करने वाला है। तो ये देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से अंदर एक घुस जाएगा। बन गया डबल इंजन बाइक गाइस। तो दिखा दो एक बार अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हो, तो डबल डबल इंजन हमने फाइनली फिट कर दिया है दोस्तों। और बाइक आप लोग देख सकते हो, तो कंप्लीट अभी महिंद्रा सेंचुरो बाइक है, अलॉय व्हील्स इस पे डले हुए। लेकिन हम इसमें डिस्क ब्रेक बनाने वाले हैं, पीछे भी डिस्क होने वाला है, और इसका जो चेसिस का सपोर्ट भी थोड़ा मजबूत करना होगा। जैसे कि ये जो बाइक है इसमें पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो अभी इसको थोड़ा इंजन माने चेसिस में भी थोड़ा सपोर्ट देना है। बहुत कुछ काम बाकी है, और बॉडी वगैरह तो आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पल्सर बाइक से मैं अभी निकालने वाला हूँ, तो ये देख सकते हो, तो पल्सर बाइक। तो इसका भी जो टैंक वगैरह है, और सोच रहे हैं जो सामने का जो 220 का जो पोर्शन है वो हम फिट करेंगे उसमें, तो बहुत ही जबरदस्त लगने वाला है भाई गाइस। तो ये देख सकते हो, तो ये जो पल्सर का जो लाइट वगैरह है ये नया हम लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोलो बाइक कैसा लगेगा, बाइक बनने के बाद कैसा लगेगा, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताओ। और किसी की बाइक को अगर बाइक लेनी है या फिर कुछ परचेस करनी है तो बता सकते हो मेरे को, क्योंकि ऐसा मॉडिफिकेशन यहीं पे ही होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इंडिया का पहला ऐसा बाइक है जिसमें डबल इंजन लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, और साइलेंसर वगैरह भी फिट होने वाला है, बहुत कुछ अभी होने वाला है, तो देख सकते हो। तो इसका जो वेट है वो अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया हैवी बाइक बन चुका है, तो ये देख सकते हो। तो और चेंस पॉकेट जो होने वाला है वो भी हम लोग उसको बड़ा कर देंगे, क्योंकि पावर बड़ा हो गया है तो चेंस पॉकेट भी ज़्यादा बड़ा करना होगा। और किसी भाई को कोई अगर सजेशन हो तो प्लीज़ दे, क्योंकि आप लोगों का सजेशन से ये बाइक बन रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइक बन रहा है दोस्तों। तो बने रही पूरी वीडियो पे, और इसी नोट पे दोस्तों करते वीडियो क्लोज, और मिलते हैं किसी ज़बरदस्त वीडियो लेके। और जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं।